तो शुरू करते हैं आज का क्लास। देखिएगा आज हम लोग पढ़ेंगे एलिमिनेशन मेथड। कल हम लोग सीखे थे क्या, ग्राफिकल मेथड वाला सब लोग बना लोगे ना? हाँ, तो ग्राफिकल मेथड में क्या क्या होता है कि हम लोग कल सीखे थे पहले क्या कि अगर हम लोगों को क्वेश्चन मिला साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का, तो उसमें हम लोग पाँच मेथड से बना सकते हैं। मेथड नंबर वन वो क्या है? ग्राफिकल मेथड। नंबर टू क्या है? एलिमिनेशन मेथड, जो कि बोर्ड पे लिखे हैं। आज हम लोग सीखेंगे एलिमिनेशन। नंबर थ्री सब्स्टिट्यूशन, उसके बाद कंपैरिजन और तब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बारी बारी से करेंगे। आज हम लोग सीखेंगे ग्राफिकल मेथड को, सॉरी एलिमिनेशन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। देखना, सॉल्व या लिखा रहेगा सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई, सॉल्व या लिखा रहेगा सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई, या लिखा रहेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, ये सब चीज़ें लिखा जा सकता है, उसका मीनिंग एक ही है। या लिखा रहेगा सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, सबका मतलब एक ही है कि यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। यह बात तुम लोग समझ गए ना? चलो ठीक है, तो यहाँ पे एक्स प्लस वाई यह हो गया पहला इक्वेशन और एक्स माइनस वाई दूसरा इक्वेशन। क्या करना होता है ध्यान देना, एक्स प्लस वाई बराबर सेवन, एक्स माइनस वाई इक्वल टू वन। वो इरेजर कहाँ है इसको मिटाने वाला, डस्टर कहाँ है? दो डस्टर वहाँ से ला कर दो एक आदमी, इसको और लेफ्ट कर देंगे हम, जाओ वहाँ से लेते आओ तो एक आदमी। देखोगे यहाँ, देखोगे एक्स प्लस वाई, ये वीडियो में आ रहा है ना, और एक्स माइनस वाई इक्वल टू वन, सब लोगों को दिख रहा है? सारे बच्चे जो क्लासरूम में बैठे हैं दिख रहा है क्या? ठीक है, अब देखो क्या करना है, सीखना ठीक से इसको। करना क्या होता है कि इन दोनों इक्वेशन में देखेंगे एक्स का कोफिशियंट या फिर वाई का कोफिशियंट है, एक्स का कोफिशियंट या फिर वाई का कोफिशियंट। तो एक्स का कोफिशियंट यहाँ पे कितना है? वन है। यहाँ पे कितना है? वन। और यहाँ पे भी, यहाँ पे वाई का कोफिशियंट वन और वाई का कोफिशियंट न्यूमेरिकली तो वन ही है, फाइनली माइनस वन है, बट ठीक है कि कोफिशियंट यहाँ पे यूनिट है दोनों तरफ। तो क्या होता है कि इसको हम लोग, हाँ थैंक यू, तो क्या होता है इसको हम लोग क्या करेंगे कि अगर ऐड कर दें, खुद एलिमिनेशन में करना होता है एलिमिनेट, या तो x को या तो y को एलिमिनेट कर देंगे। एलिमिनेट का मतलब कट कर देंगे, या तो x को या तो y को क्या करेंगे? एलिमिनेट। एक वेरिएबल जब हो जाएगा एलिमिनेट तो बाकी एक बचेगा, वो वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखना कैसे करेंगे, ध्यान देना, ये सबसे आसान सा एग्जांपल लिए हैं, फिर आगे बढ़ाएंगे। अगर हम लिखें एडिंग इक्वेशन वन एंड टू, एडिंग इक्वेशन वन एंड टू वी गेट, देखना क्या होगा, x प्लस वाई इक्वल टू सेवन और x माइनस वाई इक्वल टू वन, ऐड कर दिए मतलब ऐड, यहाँ प्लस वाई यहाँ पे कैंसिल हो गया ना, तो x प्लस एक्स कितना, x 2x और 7 प्लस वन 8, देयर फोर एक्स इक्वल टू 8 बाई टू दैट इज इक्वल टू 4, x इक्वल टू 8 बाई टू दैट इज इक्वल टू 4, मिल गया ना x। अब x मिल गया तो या तो इक्वेशन वन में या तो इक्वेशन टू में x का वैल्यू पुट करेंगे तो क्या निकल जाता है? y। इसके बाद लिखेंगे ऐसे कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, किस में? किसी भी एक में, चाहे तो वन में चाहे तो टू में, किसी भी एक में पुट करेंगे तो काम हो जाता है। तो देखोगे यहाँ पे वन क्या है कि x प्लस वाई इक्वल टू सेवन है ना, दैट इम्प्लाइज x का वैल्यू क्या पुट कर देना है? 4। वैल्यू ऑफ x जो आया है वो 4 यहाँ पुट करेंगे, तो 4 प्लस वाई इक्वल टू 7, दैट इम्प्लाइज y इज इक्वल टू ये प्लस 4 राइट में गया तो 7 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू क्या, y निकल गया 3, x इज 4 y 3। याद करो कल जो ग्राफ बनाए थे उसमें भी हम लोग का ये याद करो 4 और 3 आया था ना, कल जो क्लास किए थे उसमें हम लोग ग्राफिकली बनाए होंगे, अगर इसको कल नहीं बनाए होंगे तो और पहले क्लास में बनाए होंगे, पर 4.3 आया होगा, आ गया 4.3। हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये तो हो गया पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स, यहाँ से जो यहाँ का बात है इसके जगह पे अगर हम पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन वन के बजाय अगर इक्वेशन टू करते हैं तो भी चलता, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन टू अगर करते तो क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन टू में लिखा हुआ देखो x माइनस वाई इक्वल टू वन, तो x का वैल्यू जो निकाली हो यहाँ पे कितना, x का वैल्यू यहाँ जो 4 निकाले हो वो यहाँ पे 4 पुट करो, 4 माइनस वाई इक्वल टू वन, तो दैट इम्प्लाइज y गया उधर पॉजिटिव, 1 गया लेफ्ट में, तो क्या हो गया वो
फोर माइनस वन इक्वल टू थ्री, ये सब लोग समझ गए ना, ये समझ गया ना लीनियर इक्वेशन है ये। हाँ बहुत लोग को यहाँ नहीं करने आता है कि भाई उधर गया तो पॉजिटिव हो गया, तो बहुत लोग करेगा वन माइनस फोर ऐसा करेगा टेन का बच्चा, ये उधर गया मन में किए प्लस हो गया, उसको लिखे हैं लेफ्ट में भले ही प्लस वाई और वन को ले गए लेफ्ट, फोर माइनस वन कितना थ्री। यहाँ समझ में नहीं आया तो बोल समझा सकते हैं हम, सबको समझा गया है ठीक है। तो अब तुमको इसका सोल्यूशन क्या हुआ, इसका सोल्यूशन हुआ सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक हुआ सोल्यूशन। यह जो पार्ट है इसके बदले में चाहो तो इसको तुम रख सकते हो, मैंने इसको पूरा इरेज कर दो तो फिर इसको यहाँ पे पेस्ट कर दो, कट करके डिलीट करो, इसको यहाँ पे पेस्ट करो, ये भी कर सकते हो, ये हुआ तरीका एक। अब हम कह रहे हैं कि यहाँ पे क्या किए थे हम लोग, x को किए थे एलिमिनेट, सॉरी y को किए थे एलिमिनेट, अगर हम चाहते तो x को भी एलिमिनेट कर सकते थे। यह जो बना है डायग्राम यह तुमको इसमें नहीं बनाना है, यह समझाने के लिए बनाए, तो अब इरेज कर देंगे, कहाँ गया डस्टर, अभी समझाने के लिए बनाए इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, नो वरी प्रीति। देखो इधर तुम कम हिलो जी, क्वेश्चन फिर से देखना है यहाँ पे, x प्लस वाई इक्वल टू सेवन और x माइनस वाई इक्वल टू वन हो गया, ये वन और ये क्या हो गया टू। एडिंग की जगह पे हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन वन से हम टू को क्या करें, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, या तो ऐसे लिख दें वन माइनस टू, या लिख सकते हैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन टू फ्रॉम इक्वेशन वन, यह भाषा का प्रयोग कर सकते हैं, सुन रहे हो ना बोल रहा हूँ मैं। हाँ यहाँ पर जैसे यहाँ लिखे ना भाषा में लैंग्वेज में, यहाँ भी लिख सकते हैं। अब वन से टू घटाएंगे, अच्छा घटाएंगे क्यों, जब सेम सारा रूल स्टार्टिंग नहीं बताएंगे, बनाते बनाते बता देंगे सब समझ जाओगे। घटाएंगे क्यों, क्योंकि यहाँ पे x को पहले ही माइंड मेकअप कर लिए हैं कि x को तो काट देना है, x को तो काट देना है, तो जब x को काटेंगे तो दोनों का साइन कैसा है, सिमिलर प्लस प्लस सेम साइन, सेम साइन है ना दोनों का प्लस प्लस, तो प्लस प्लस सेम साइन है तो अगर जोड़ेंगे तो और बढ़ जाएगा, क्या करेंगे कैंसिल काट। तो x प्लस वाई ऊपर में क्या है बताओ अंकिता, सेवन, और x माइनस वाई क्या है रूपम वन, तो प्लस है यहाँ पे पहले से जो दिख नहीं रहा है, घटाते हो तो साइन क्या होता है चेंज होता है। जब कभी हम तुमसे कहते हैं कि पाँच में से चार घटा दो, पाँच में से क्या घटाओ, तो पाँच जब बोलते हैं मीनिंग होता है प्लस पाँच, चार जब बोलते हैं मीनिंग होता है प्लस चार, जब बोलते हैं चार तो उसका मीनिंग होता है माइनस फोर, उसका मीनिंग क्या होता है प्लस फोर, तो पाँच में से चार घटाओ जब बोलते हैं पाँच का मतलब प्लस फाइव और चार का मतलब प्लस फोर, घटाओ का मतलब यहाँ क्या होता है माइनस। अब देखो क्या होता है, जैसे ही घटाई सब्ट्रैक्ट किए तुम लोग तो माइनस और यहाँ क्या प्लस है ना, तो ये प्लस पाँच तो प्लस ही पाँच रहेगा, लेकिन यह जो प्लस है वो क्या बन जाता है माइनस। पर जब कभी हम तुमसे बोलते हैं कि प्लस पाँच से माइनस चार घटाओ, क्या घटाओ तो तुम यहाँ पर घटा रही हो, तो पाँच रहा माइनस इंटू माइनस प्लस फोर, हो क्या रहा है जब भी तुम घटाते हो क्या करते हो सब्ट्रैक्ट करते हो, तो प्लस चेंजेस टू माइनस और माइनस चेंजेस टू प्लस माइनस में बदल जाता है, माइनस प्लस में बदल जाता है जब तुम सब्ट्रैक्ट करते हो, तो यू गॉट इट। प्लस है पहले से घटाएंगे तो प्लस चेंजेस टू माइनस, माइनस चेंजेस टू प्लस, एंड यहाँ वन के आगे कुछ नहीं है तो क्या है प्लस, प्लस चेंजेस टू माइनस। अब जो साइन जो है यह जो माइनस था वो तो प्लस बन गया, अब बिहेव करेगा फाइव ये प्लस और ये प्लस नाइन होगा ना, तो अब जो पहले जो साइन था जैसे यहाँ निगेटिव साइन पहले है, अब इसका कोई मतलब नहीं है, अब तो माइनस चेंज हो गया क्या बन गया प्लस, तो प्लस का ही काम करते हैं, तो यहाँ प्लस चेंज हुआ क्या बन गया माइनस, तो अब यह जो साइन है इसको देखते भी नहीं है, समझ गया, ये जो साइन है राउंड करना नहीं चाह रहे यहाँ पे गंदा हो जाएगा, इसको देखते भी नहीं है, यहाँ जो प्लस दिख ही नहीं रहा है, देखते तो है ही नहीं हम लोग, दिखता तो देखते नहीं, लेकिन यहाँ पे तो वो दिख ही नहीं रहा, अच्छा हुआ कि नहीं दिख रहा है क्योंकि देखना चाहते भी नहीं थे, समझ रही हो। तो ये प्लस ऊपर में एक से पहले क्या है प्लस है, नीचे में एक से पहले क्या है अब माइनस है, अब प्लस तो देखना ही नहीं चाहते हैं, समझ में आ रहा है। अब फिर से एक बार, ऊपर में एक्स के पहले साइन क्या है, नीचे में एक्स के पहले साइन क्या है माइनस, और प्लस माइनस क्या होता है कैंसिल। यह जो राउंड बना है सर्कल हुआ तुम लोग को नहीं करना है, ऐसा लग रहा है जैसे मेडिकल साइंस कर रहे हम लोग, यह प्लस भी नहीं करना है, बस समझाने के लिए, देखिए पहले राउंड नहीं करना था फिर प्लस भी नहीं करना था, वो तो समझाने के लिए किए थे तुम लोगों को, तो प्लस और माइनस कैंसिल,
ऊपर में y के पहले क्या है और नीचे में y के पहले क्या है प्लस। यहाँ पे रखे थे उंगली धोखा देने के लिए, समझ गया तुम लोग। तो ये क्या प्लस, तो ऊपर में y के पहले साइन कैरी कर रहा है पॉजिटिव का, नीचे का भाई y अब कैरी कर रहा है साइन पॉजिटिव का। प्लस प्लस क्या होता है एड, सेम साइन एड, चाहे प्लस प्लस हो चाहे एड। तो ये y प्लस y कितना y 2y, यहाँ प्लस यहाँ माइनस अपोजिट साइन, साथ में से गया कितना 6, देयर फोर वाई इक्वल टू 6/2, यह 2 इंटू में सत्यम, राइट में गया 2 क्या हो गया 3, y निकल गया पहले। अब y जब निकल गया तो क्या करेंगे, थोड़ा और नीचे निकालते हैं y क्योंकि यहाँ के बराबर में रहेगा, तो y इक्वल टू 6/2 इक्वल टू 3, देयर फोर यहाँ पे है। तो क्या पुटिंग पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 या 2 कोई भी 1 में पुट करते हैं। 1 में क्या है पार्वती लोग, x प्लस y इक्वल टू, दैट इंप्लाइज y का वैल्यू कितना बताओ 3, इक्वल टू दैट इंप्लाइज x इक्वल टू 7-3 दैट इज इक्वल टू 4। यह जो वैल्यू है इसके जगह पे तुम चाहो तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2 भी कर सकते थे, 1 के बजाय क्या कर सकते हो 2 भी कर सकते हो, और इक्वेशन 2 जो है बच्चा वह x माइनस वाई इक्वल टू 1 है। अगर y पुट करते हो 3, y पुट करते हो 3, y पुट करते हो 3, तो x यहाँ पे x रहा और माइनस y, y कितना है 3, x निकल गया ना। यहाँ पे क्या निकला था पहले देखिएगा, यहाँ पे क्या निकला पहले, यहाँ पे निकला था x का वैल्यू, एक का वैल्यू आया था ना, तो एक का वैल्यू आया तो किसका वैल्यू पुट किए, तो एक का वैल्यू पुट किए। यहाँ पे क्या निकला है पहले y निकला है, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, तो y का वैल्यू यहाँ पुट किए हैं, समझे तुम लोग। और x निकल गया, फिर हम लोग क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, और इक्वेशन 2 लिखिए x माइनस y इक्वल टू 1, x तो x है और y का वैल्यू कितना 3 इक्वल टू 1, दैट इंप्लाइज x इक्वल टू 1 प्लस 3 इक्वल टू क्या 4। तुम पाए क्या कि यहाँ तो तुम्हारा आ ही गया था x 4 y 3 आया था ना। अगर तुम चाहो तो सोल्यूशन तुम्हारा तो यही है, पर अगर तुम चाहो, अगर तुम चाहो तो क्या कर सकते हो कि यहाँ से यहाँ बनाने के बजाय इसको केवल चाहो तो कट कॉपी डिलीट, और इसको यहाँ पे पेस्ट, इसको कट कॉपी यहाँ पे पेस्ट, या तो ये हम यहाँ से किए हुए हैं कर्ली ब्रैकेट, इसका मतलब हुआ कि हम लोग आपस में क्या कर सकते हैं, बदल के बना सकते हैं, समझ रहे हो क्या तुम लोग। तो ये हो गया तुम्हारा पहला इक्वेशन, हम जो आज पहला क्वेश्चन दिए साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उसको ऐसे बनाते हैं इलिमिनेशन मेथड। एक क्वेश्चन समझे क्या, यह क्वेश्चन जो समझाए हम, यह क्वेश्चन में एक्स वाई कोएफिशिएंट 1 या माइनस 1 ही था, तो आसान है बनाना, देख लिए क्या। इसको तुम लोग कॉपी करोगे वीडियो को पॉज करके, उसके बाद हम क्या करेंगे कि ऐसा क्वेश्चन लेंगे जिसमें कोएफिशिएंट 1 ना हो, तब देखेंगे कि कैसे बनाते हैं इसको, है ना। ऐसा क्वेश्चन लेंगे, ऐसा एग्जांपल लेंगे जिसमें कोएफिशिएंट 1 ना हो, 2-3 कुछ हो डिफरेंट हो, तो तब समझ में आएगा कि आखिर फाइनली क्या करते हैं इस क्वेश्चन में। और फिर 2-3 क्वेश्चन कर लोगे तुम तो इलिमिनेशन का बेसिक तो सीख जाओगे, लेकिन उसके बाद क्या बचेगा इलिमिनेशन का। और इलिमिनेशन में बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है जिसमें कि कुछ कुछ करना है, जैसे कहीं 1/u को 1/x को कहीं यू मानना होगा, कहीं कुछ और करना है, बेसिक सीख गए इसका, बेसिक ये है। लेकिन एक क्वेश्चन और करोगे तो कहेंगे कि पूरा बेसिक सीख गए, क्योंकि अभी भी x और y का कोएफिशिएंट यहाँ पे 1-1 था, माइनस 1 था, तो इसमें बिल्कुल दिक्कत नहीं होता है। अगले क्वेश्चन में बात करेंगे वीडियो को पॉज करके, और तुम लोग इसको कॉपी कर लो। तो देखिए अभी आपके स्क्रीन पे दूसरा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में कुछ कोएफिशिएंट को जानबूझ के चेंज कर दिया गया है। x का कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 तो है, y का 2 है, लेकिन x का फिर यहाँ 4, y का 3, मतलब x और x का कोएफिशिएंट को कंपेयर करके देखो तो दोनों x, ऊपर वाले x का कोएफिशिएंट 1 और नीचे वाले का 4 है, ऊपर का 1 नीचे का 4 है। देखो भाई, ए लड़की रुको, लिखो मत, देखो ऊपर वो ठीक आ रहा है कैमरा में, ठीक है। यहाँ देखो कैसे बनाओगे इसको, ऐसे कह सकते हो ये x के आगे 1 है और यहाँ पे x के आगे 4 है, काटना किसको चाहते हो, x को कि y को, पहले डिसाइड करो किसे काटना चाहते हो। पता नहीं क्यों बचपन से हम x को नहीं, हम y काटना चाहते थे, x मेरे को सुंदर लगता था और उसको हम बचाते थे हमेशा, अगर जब तक संभव हो सके x को हम बचाया करते थे। तुम लोग कैसे निर्दयी इंसान हो, कह रहे हो पूछे किसको काटना चाहते हो, x को कि y को,
तो जो तुम लोग को लगा कि जो पहले आ रहा है नाम उसको पहले काटेंगे, हाँ तो मतलब तुम लोग समझ रहे हो कि इजी है काटना, इसलिए काटना चाह रहे हो, है ना। एक काम करते हैं हम ना, पहले वायु काट लेते हैं फिर एक तो भी काट लेंगे, क्योंकि जो काम बचपन से करते हैं उसको उसी वे में करने दो। तो यहाँ देखोगे वाई और थ्री, यहाँ वाई सॉरी वाई का कॉफिशियंट टू और वाई का कॉफिशियंट थ्री है, तो क्या करना होगा, एक तो हो गया कि यहाँ भाषण लिख दें कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन वन बाई थ्री एंड इक्वेशन टू बाई टू एंड देन सब्ट्रैक्ट इक्वेशन टू फ्रॉम वन, ये कर सकते हैं। इतना भाषण ना लिखें तो एक काम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सिंपली इक्वेशन वन में क्रॉस का साइन लगा के हम लोग थ्री से और यहाँ पे क्रॉस लगा के टू से, इससे क्या होगा कि टू थ्री जा सिक्स वाई, थ्री टू जा सिक्स वाई, कॉफिशियंट को सेम। हेलो, अगर तुम चाहते हो y को काटना, इसका मतलब ये होता है कि y के कॉफिशियंट को क्या करोगे, सेम कर दोगे। अगर तुम चाहते हो कॉफिशियंट को क्रॉस करना तो y के कॉफिशियंट को क्या करोगे, कट कर दोगे, है सेम कर दोगे। एक फ़ोन आ गया तो वहाँ दिमाग चला गया, y के कॉफिशियंट को सेम कर दोगे, और सेम कैसे होगा, यहाँ पे 2 को 3 से और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, सेम हो जाएगा ना, सेम हो जाएगा ना। फिर क्या करोगे, और उसके बाद लिखोगे इक्वेशन वन में से टू को घटा दो। हम बता दें फिर से एक बार, यहाँ पे हम लोग स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन वन बाई थ्री एंड इक्वेशन टू बाई टू एंड देन वी सब्ट्रैक्ट इक्वेशन टू फ्रॉम इक्वेशन वन, यह स्टेटमेंट यहाँ पे लिख सकते हैं, समझ रहे हो क्या। इसके बाद क्या होगा कि हम लोग क्या करेंगे, देखो तो अब थ्री से इंटू किस में करें, इसमें करें कि इसमें करें, किस में करें, पूरे में। अच्छा पूरे में कैसे कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा है इक्वेशन वन में तीन से मल्टीप्लाई करना है, इक्वेशन वन में तीन से मल्टीप्लाई करना है। इक्वेशन वन में तीन से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या होता है कि लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी, और तुम जानते हो अगर कोई इक्वेशन ए इक्वल टू बी है, अगर कोई इक्वेशन ए इक्वल टू बी है तो बोथ साइड सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मतलब के इक्वल टू के बी, वेयर के इज एनी नंबर, है ना। के से हम को अगर इधर के से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इधर भी के से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी, साइन ऑफ इक्वलिटी, इनइक्वालिटी नहीं, इनइक्वालिटी एलेवेंथ पढ़ना है, साइन ऑफ इक्वलिटी होल्ड से ट्रू, मतलब इक्वालिटी का साइन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा यदि तुम इक्वल के दोनों तरफ सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करोगे। सेम क्वांटिटी बोल रहे हैं, तुम यह भी बोल सकते थे हम कि अगर a इक्वल टू b है तो तुम दोनों तरफ सेम नॉन जीरो क्वांटिटी से डिवाइड कर सकते हो। सेम क्वांटिटी नहीं बोल रहे, क्या बोल रहे हैं, सेम नॉन जीरो क्वांटिटी डिवाइड तो तुम k से कर सकते हो, बट इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि k मस्ट नॉट बी इक्वल टू जीरो, के मस्ट नॉट बी इक्वल टू जीरो, तो ये काम हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर थ्री से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इक्वेशन वन में, इसका मतलब ये हुआ कि इक्वेशन वन के लेफ्ट में और इक्वेशन वन के राइट में दोनों तरफ हमको तीन से मल्टीप्लाई करना है। तीन से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा थ्री एक्स प्लस थ्री टू जा सिक्स वाई इज इक्वल टू थ्री थ्री जा नाइन, टू फोर जा एट एक्स प्लस टू थ्री जा सिक्स वाई, टू टू जा फोर। अब देखो क्या होगा, चूंकि यहाँ पे लिखे हैं क्या हम कि वन में से क्या करना है, टू को सब्ट्रैक्ट करना है, तुम लोग इसको लाइन लिख देना कि सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन टू फ्रॉम इक्वेशन वन, ये लाइन लिख देना तुम लोग। तो ये प्लस जो है यहाँ पे हो जाएगा माइनस, और जो प्लस है फिर क्या होगा माइनस, और यहाँ का प्लस माइनस। अब ये सिक्स वाई प्लस में है, सिक्स वाई माइनस में है, प्लस माइनस कैंसिल, थ्री प्लस में है और एट अब माइनस में है, माइनस एट प्लस थ्री माइनस फाइव एक्स, प्लस नाइन माइनस फोर प्लस फाइव, एक्स इक्वल टू फाइव डिवाइड बाई इधर गया माइनस फाइव, यह माइनस फाइव इक्वल के राइट में गया, माइनस फाइव इज इक्वल टू एक्स इक्वल टू माइनस वन तुमको मिल गया। अब क्या निकालना है, वाई, वाई निकालने के लिए क्या करोगे, या तो इक्वेशन वन में या तो इक्वेशन टू में तुम एक्स का वैल्यू पुट करोगे, वाई निकल जाएगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू माइनस वन इन इक्वेशन वन, वन या टू तुम डिसाइड कर सकते हो। अभी पहला क्वेश्चन में किए थे हम कि या तो वन में या तो टू में, अगर एक का निकल गया, एक वेरिएबल का वैल्यू निकल गया, उसके बाद उसको किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके दूसरा वेरिएबल निकाल लोगे। अब ये डिसाइड कौन करेगा कि कौन सा इक्वेशन में पुट करें, वो डिसाइड करेगा जो तुमको ईजी लगे, जो तुमको कम कैलकुलेशन वाला लगे वो करना,
एक्स है, एक्स में यहाँ पे एक्स प्लस टू वाई इक्वल थ्री, फोर एक्स से अच्छा है कि एक्स, तो एक्स के बदले में क्या लिखोगे, माइनस वन प्लस टू वाई इक्वल टू थ्री, तो टू वाई इक्वल टू थ्री प्लस वन दैट इज इक्वल टू फोर, वाई इक्वल टू फोर बाई टू इक्वल टू क्या, टू, देयरफोर एक्स इक्वल टू माइनस वन आ चुका था और वाई इक्वल टू टू। इसको ऐसे लिखता है कोई आदमी, कोई इसको ऐसे बोल देता है कि एक्स कॉमा वाई इक्वल टू माइनस वन कॉमा टू, समझे क्या, या तो ऐसे इसको तुम अपने आंसर में छोड़ सकते हो, ठीक है ना, दोनों मत कर देना, कोई एक ही करना। कोई कोई ऐसे लिखेगा x इक्वल टू माइनस वन अलग और y इक्वल टू टू अलग, ऑर्डर पेयर में लिखने का उसको जरूरत नहीं है, मैंने लिख सकते हैं कैसे भी, x इक्वल टू माइनस वन y इक्वल टू अलग अलग भी, ऑर्डर पेयर में भी, ऐसे भी ऑर्डर पेयर में कर सकते हैं अरेंज, तरीका ये लिखने का, कोई भी तरीके से लिख सकते हैं। इसके पहले वाले क्वेश्चन वन जो बताया अभी इलिमिनेशन, उसमें हम क्या किए थे कि यहाँ से यहाँ तक को दो बार बनाए थे, एक बार इक्वेशन वन में पुट किए थे, एक बार इक्वेशन टू में। तुम क्या करना कि इक्वेशन टू में पुट करके देखो, पहले इसको कॉपी कर लोगे वीडियो को पॉज करके, और फिर एक्स का वैल्यू माइनस वन इक्वेशन टू में पुट करके देखो और तुम पाओगे कि वाई तुम्हारा वहाँ भी कितना आएगा, टू ही आएगा, वाई में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। वीडियो को पॉज करके इसको कॉपी करोगे, कर दो कॉपी, फिर बताएंगे सेकेंड तरीका इसका बनाने का। हम अभी हम लोग एक तुम लोग पॉज करके लिख लिए, अब देखो हम लोग क्या करेंगे इसको। अभी क्या किए हम अंकिता, y काटे रूपम, परिष्का, प्रीति, अब क्या काटेंगे, x काटेंगे। x काटने के लिए, काटने के पहले x दोनों ही x का फर्स्ट इक्वेशन से और सेकेंड इक्वेशन से दोनों ही x का जो कॉफिशियंट है न्यूमेरिक कॉफिशियंट सेम होना चाहिए। न्यूमेरिक कॉफिशियंट का मतलब अगर यहाँ पे माइनस फोर भी होता तब भी इसको क्या बनाते, जरूरी नहीं माइनस फोर बनाए, प्लस फोर भी बना सकते हैं, जो भी बने यहाँ पे जो है वही बनेगा, फोर या माइनस फोर उससे मतलब नहीं होगा, वह न्यूमेरिक हो गया। वह उसके बाद अगर दोनों साइन सेम है, अगर दोनों प्लस में है तो क्या करेंगे, इक्वेशन वन इक्वेशन टू को वन से घटाएंगे। हेलो, दोनों क्या है, दोनों यदि प्लस होगा या दोनों यदि माइनस होगा, इस केस में क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट, सेम साइन रहेगा तो क्या करेंगे, बोलो, बोलने से खांसी, खांसी हो रहा है, दोनों को कोरोना तो नहीं है, चेकअप करवाइए कोरोना। दोनों को अगर दोनों में साइन क्या रहे, प्लस का रहे या माइनस का रहे, मतलब कि सेम साइन रहे, क्या रहे, सेम साइन रहे तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, याद कर लो इसको, सेम साइन रहे तो सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, और अगर अपोजिट साइन रहे, मतलब कि एक तो में प्लस रहे एक में माइनस, ऊपर वाले में प्लस नीचे वाले में, या ऊपर वाले में ही माइनस नीचे वाले में, सिंपल बोले तो अपोजिट साइन रहे। अगर दोनों में एक्स एक्स में अगर अपोजिट साइन रहे तो ऐड करेंगे, कब ऐड करेंगे या कब सब्ट्रैक्ट करेंगे, कॉफिशियंट को न्यूमेरिकली सेम करने के बाद, कॉफिशियंट को जिसको काटना होगा, जिसको काटना होगा उस, तो काटने के पहले क्या करेंगे, उसके उस वेरिएबल के न्यूमेरिक कॉफिशियंट को सेम कर देंगे। सेम करने का तरीका ऐसे है, मल्टीप्लाई करना, और क्वेश्चन करेंगे अभी तो समझ में आएगा कि कहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करना होता है। तो सेम कर देंगे न्यूमेरिक कॉफिशियंट को, और न्यूमेरिक कॉफिशियंट को सेम करने के बाद अगर दोनों में प्लस दिखा जिसको काटने जा रहे हैं, या दोनों में माइनस दिखा जिसको काटने जा रहे हैं, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, कट जाएगा। अगर दोनों में साइन अपोजिट है, एक में प्लस एक में माइनस, या पहले में माइनस दूसरे में प्लस, तो ऐड कर देंगे तो कट जाएगा, तरीका समझे। अभी इनटू करने का तरीका और समझना होगा, यहाँ पे तो टू था और यहाँ पे तीन था, इसलिए एक में तीन से एक में दो से मल्टीप्लाई किए, और कुछ एग्जांपल्स लेंगे हम लोग थोड़ी देर बाद, मालूम चलेगा कि इसमें हम लोग कैसे बना रहे हैं, देखेंगे पहले इसको काटेंगे। अभी हम काटना चाहते हैं एक्स को, क्या करें, देखो एक्स प्लस टू वाई इक्वल थ्री और यहाँ पे फोर एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल टू टू, ये हो गया पहला इक्वेशन, ये हो गया। चाहते हैं कि किसको काटें, x को कट करें, x को इलिमिनेट करें। इलिमिनेट करने के लिए सिर्फ यहाँ पहले वाले में ही 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, सेकेंड वाले में कुछ नहीं करना है, सेकेंड वाले में कुछ नहीं करना होगा। चाहती हो कि सुंदर दिखे मेरी तरह, तो मुश्किल से बहुत हो तो इनटू वन कर दें। अब हो गया, अब ये इनटू कर, और यहाँ पे क्या, इक्वेशन वन से इक्वेशन टू को सब्ट्रैक्ट कर दें। कुछ बच्चे इसको लिखेंगे कि
ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन वन, सुन लो हम लिखेंगे नहीं, तुम लिख सकते हो, ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन वन बाई फोर एंड इक्वेशन टू बाई वन एंड देन वी सब्ट्रैक्ट इक्वेशन टू फ्रॉम वन। ये कुछ क्या करेंगे कि ऐसे, ये एक तरीका हुआ, एक क्या कुछ क्या करेंगे, यहाँ इंटू फोर, यहाँ इंटू वन करके और तब यहाँ लिखेंगे वन माइनस टू। कुछ क्या करेंगे कि यहाँ इंटू फोर लिखेंगे, वह यहाँ इंटू वन लिखेंगे ही नहीं और वन माइनस टू चलेगा। और कुछ क्या करेंगे, यहाँ इंटू फोर यहाँ इंटू वन नहीं करेंगे, यहाँ वो क्या करेंगे, ऐसे करेंगे इक्वेशन वन में मल्टीप्लाई करेंगे किससे, फोर से माइनस इक्वेशन टू ये लिखेंगे। इससे क्या पता चल रहा है, इक्वेशन वन को फोर से मल्टीप्लाई करके घटाना है फिर टू को, समझे क्या, ऑन अप्लाइंग, सिर्फ यहाँ बोलेंगे ऑन अप्लाइंग इक्वेशन वन इंटू फोर माइनस टू वी गेट। अलग अलग तरीका लिखने का, लिटरेचर जो है सबका स्टेटमेंट जो है वह डिफरेंट हो सकता है, मतलब तो वही है ना, क्या है मतलब कि काटना है, मतलब क्या है, बस काट देना है, काट देंगे अभी हम, देखना फोर देखिए दोनों तरफ करना पड़ेगा, फोर एक्स फोर टू जा एट वाई, फोर थ्री जा सिक्स, वाह ध्यान दे रहे हो, ए कौवाउर बवाउर, फोर थ्री जा 12, वन से किए 4x प्लस 3y इक्वल टू क्या, जागते रहना प्लस, अभी क्या है घटाना है तो प्लस चेंजेस टू प्लस चेंजेस टू माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस और माइनस अपोजिट साइन कैंसिल आउट, काट दिए 8 और माइनस 3 5y इज इक्वल टू 12 से दो गया 10 देयर फोर वाई इक्वल टू 10 बाई 5 दैट इज इक्वल टू 2 मिल गया क्या। अभी y को तुम पुट कर लो, y के वैल्यू को या तो इक्वेशन वन में या तो इक्वेशन टू में पुट कर लो, हम लोग तो वन में पुट करना चाहेंगे, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन वन, इक्वेशन वन में है बाबू x प्लस टू वाई इक्वल थ्री, वाई का वैल्यू टू है, x प्लस टू इंटू टू इक्वल थ्री, दैट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू थ्री माइनस टू टू या फोर प्लस फोर राइट में गया तो इज इक्वल टू कितना, देयर फोर एक्स इक्वल टू माइनस वन एंड वाई इक्वल टू टू, देख लो वही आया था ना माइनस वन का एंड टू, एक्स इक्वल टू माइनस वन वाई इक्वल टू, तुम चाहते तो क्या करते यहाँ पे इक्वेशन वन के बजाय इसको इक्वेशन टू में पुट करते, ये होता कि नहीं होता, क्या किए थे एक बार में एक्स को काटते एक बार में वाई को कट किए, इसको पहले कॉपी करो वीडियो को पॉज करके फिर आगे बात करेंगे। तो समय तो तुम लोग का ओवर हो गया, तो आज हम यहीं तक सिखा पाए, दो ही क्वेश्चन किए हम लोग ना दोनों तरफ से, अगले क्लास में भी इलिमिनेशन ही होगा, छोटा सा छोटा छोटा क्लास है तो तुम्हारा फ़ायदा क्या होगा कि बहुत देर तक एक ही क्लास को नहीं देखना पड़ेगा। टाइम कितना हुआ देखो तो वीडियो में, मात्र 28 मिनट, आधे घंटे का क्लास लगभग है तुम्हारा ये, तो तुम इसको करना, कल फिर नया पढ़ाएंगे, वो वीडियो फिर कल अपलोड होगा तुम्हारा, तो तुम ना मेरे साथ चलोगे तो पूरा ख़त्म हो जाएगा, फर्स्ट टर्म का समय के साथ ख़त्म कर देंगे, जल्दी ही तुम लोग एक सिलेबस हमको बनाना नहीं था लेकिन तुम लोग सब कह रहे हो तो हम बना के अपलोड करेंगे, तो हम मिलते हैं फिर, इसको करना प्रैक्टिस, मिलते हैं फिर ऑन सेम टाइम ऑन सेम चैनल, पैकअप।